नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में रेलवे क्रेश कोर्स के अंतर्गत मैथ का पार्ट नंबर 9 हल कराने वाले हैं। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं आपके जो रेलवे एग्जाम में बन चुके प्रश्न हैं उन्हीं को लिया जाता है, चाहे आपका NTPC 2016 का एग्जाम हो या ALP 2018 का एग्जाम हो या RRB ग्रुप डी 2018 का एग्जाम हो या आपका RRC या RPF, जितने भी आपके JEE तक लेवल के जितने भी प्रश्न बन चुके हैं रेलवे में, वहीं से आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैथ और रीजनिंग के लेके आता हूँ और जिनको हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ, जो कि आपके आगामी NTPC और RRC ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे सेशन। इसलिए दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि रेलवे में जितने भी एग्जाम हो चुके हैं वहीं से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। देखिए, ये आपका जो है पूछा गया प्रश्न है। देखिए, आपका RRB RPF 2019 में जो एग्जाम हुआ था रेलवे RPF में, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को फिर से कि हम सारे प्रश्नों को आपके रेलवे एग्जाम से पूछे हुए प्रश्नों को लाए हैं। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग देखिए हमेशा ऑप्शन की मदद लीजिए। देखिए, उन लोगों का एग्जाम बहुत जल्दी निकलता है, क्योंकि जो लोग आप थोड़ा यूनिक होते हैं, यूनिक मेथड से सवालों को हल करते हैं, ना कि वो पहले प्रश्न को पढ़े एक्स वाई मान के चालू कर देते हैं हल करना, उन लोगों को काफी टाइम लगता है। वही लोग होते हैं जिनका एग्जाम निकलता है थोड़ा, आप लोगों को वो थोड़ा ट्रिकी तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, कैसे इसको हल करेंगे। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनका वर्गों का योगफल दिया गया, लेकिन उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हम मान लेते हैं उनका योगफल 5 है, योगफल 5 है, तो क्या हम 5 को 2 में तोड़ेंगे तो क्या 2.5 तोड़ेंगे, तो मतलब ये नहीं बन सकता, ये आपका बिल्कुल ही नहीं बन सकता, ऑप्शन बी लेंगे। तो इसको दो खंडों में ऐसे तोड़ें कि उनका गुणनफल 24 हो जाए अगर हम उनके वर्गों का योगफल 52 हो जाए। तो देखिए, हमारा मान लेते हैं 1 हो जाएगा 6, 1 हो जाएगा 4, 1 हो जाएगा 6, 1 हो जाएगा 4, और इनका गुणनफल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और इनके वर्गों का योगफल करेंगे कितना हो जाएगा। देखिए, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, 6, 12, 1 बचेगा 3, 1, 4, 52, मतलब ये 52, ये मतलब पूरा फॉलो हो रहा है इसमें, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, इस टाइप के प्रश्न कहीं भी मिले, जैसे एज के भी प्रश्न हो गए, इस टाइप के प्रश्न को जहां भी मिले आप ऑप्शन की मदद से करिए, आपका सेकंडों में आंसर आएगा और आपके टाइम की भी बचत होगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे सेशन का। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न को कैसे हम करेंगे। देखिए, ये आपका जो ये प्रश्न है दोस्तों, ये आपका रेलवे NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न को बहुत सिंपल से इसको भी सेकंडों में हल कर सकते हैं बिना पेपर पेन उठाए, अगर प्रश्न को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो। देखिए, 12 संख्याओं का औसत 48 है, यदि प्रत्येक संख्या में 11 की वृद्धि हुई तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। देखिए, ध्यान से समझिए क्या बोला इसमें। 12 संख्याओं का औसत हमें दिया गया, जो कि 12 संख्याएं हैं उनका औसत दिया गया कितना, 48 दिया गया है। तो हमको पूछा गया है 11 की वृद्धि की जाओ किसमें, प्रत्येक संख्या में, मतलब जो 12 संख्याएं हैं इसमें प्रत्येक संख्या में हम 11 की वृद्धि करते हैं तो हमारा औसत क्या होगा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, जब भी बोले प्रत्येक संख्या में वृद्धि की जाए औसत का सवाल हो, तो आप हमेशा जो ये 48 दिया गया औसत, देखिए जब हमारे प्रत्येक संख्या में 11 की वृद्धि होगी तो जो हमारा 48 है इसमें भी 11 की वृद्धि होगी, इसको जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 4, 1, 5, 59 हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, क्योंकि हमारा यहाँ प्रत्येक संख्या की बात हो रही है, हमको कुछ भी नहीं करना है कि एक्स वाई या वाई जेड मान ली, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा सीधी सी बात बोल रही है प्रत्येक संख्या में क्या 11 की वृद्धि हो रही, तो हमारा औसत में भी 11 की वृद्धि होगी, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सेशन में। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है थर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करेंगे, इस टाइप के भी प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे तो सेकंडों में इसका आंसर आएगा। ये भी आपका NTPC अप्रैल 2016 में जो एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया प्रश्न है। देखिए, कैसे हल करेंगे। यदि हमारा दिया गया A+B बराबर 90 अंश तथा A/B का मान दिया गया 2:1 है, तो 10A/10B का मान पूछा है। देखिए, अगर आप ध्यान से समझे सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखिए, हमारा यहाँ A+B बराबर 90 अंश दिया गया है और यहाँ A और B का मान दिया गया है, तो हम बड़े सिंपल से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम A और B का मान यहाँ रखते हैं, देखिए हमारा 2:1 रेशियो है, तो देखिए हमारा जो अगर रेशियो है तो यहाँ रखेंगे 2 का मान, देखिए 2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, यही बराबर हमारा कितना दिया है, 90 अंश के दिया गया। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो हमारा 1 बराबर 1 का मान कितना आ जाएगा आपका, 90 अंश बटा में 30, तो इसको काटेंगे कितना आ गया, 3 3 9, मतलब हमारा 1 अंश बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो देखिए, हमारा 1 का मान आ गया, तो हम देखिए 1 का मान यहाँ रखेंगे 2 पे और 1 पे, तो हमारा A और रेशियो B बराबर दिया गया है 2:1, तो 1 का मान रखेंगे पहले 2 पे
ऊपर कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और इस पे रखेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए हमारा ए का मान 60 आ गया, बी का मान 30 आ गया, तो अब हम इसमें रखते हैं टेन ए और अनुपाते टेन बी में रखते हैं, तो देखिए कैसे हो जाएगा। देखिये टेन ए का मान क्या रखेंगे, तो टेन आपका कितना रखेंगे 60 अंश, और आपका देखिये अनुपाते कितना 10:30 अंश, ठीक है 10:30 अंश। देखिए इसका मान रखते हैं 10:60 अंश का मान क्या होता है आपका √3 होता है, ठीक है √3 होता है, और इसका मान 10:30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो देखिए हमारा उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, देखिए रेशियो का मतलब ही हमारा बटा होता है, तो देखिए रूट रूट से आपका देखिए कट जाएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपका। देखिए ये हमारा जो लिखा गया है √3 और बटे में क्या हो जाएगा आपका √1/√3, क्योंकि देखिए हम इसको लिख सकते हैं अनुपात मतलब बटा होता है, तो देखिए हमारा ये √3 × √3 और क्या हो जाएगा बटे में 1 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया √3 × √3 रेशियो 1 आ जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था, हम 10a और 10b का मान निकाल के रख देते, 10a का मान 60 आया, जो कि 60 अंश का मान √3 होता है, ठीक है √3 होता है, और हमारा 10:30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, तो √3 ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे बचेगा 1, तो मतलब 3:1 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, बस आपको यही प्रश्नों से ए और बी का मान निकाल के आसानी से हल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका रेलवे जो जेई का एग्जाम हुआ था आरआरबी जेई में, उसमें 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तीन व्यक्तियों ने 14 महीने 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया, यदि उनके लाभ का अनुपात इतना दिया गया 5:7:8 है, तो उनके निवेश का अनुपात दिया था। देखिए निवेश का अनुपात मतलब क्या पूछा गया, निवेश मतलब आपके पैसे का पूछा गया, पैसे का अनुपात। तो देखिए हमारा अगर देखिए रेशियो को समझते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट बराबर किसके होता है, जो आपका पैसा होता है, और गुणे किसके होता है, टाइम के होता है, गुणे किसके होता है, टाइम के होता है। क्योंकि देखिए हमारा इसमें क्या पूछा है, आपका यही पूछा गया है, जो आपका पैसा है यही पूछा गया है कितना है, तो हमसे निवेश का अनुपात पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से समझिए, जो आपका ये 5 है, 5 को हम भाग कर देंगे किससे, 14 से, अनुपात है क्योंकि देखिए हमसे क्या पूछा अनुपात। उसके बाद 7 को हम बटे में किसके लिखेंगे, आपके 8 के, फिर रेशियो आपका 8 के रेशियो बटे में किसके लिख देंगे, ध्यान से समझिएगा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये, इसको लिख देंगे 7 के, मतलब देखिए जो 14 महीना है वो आपका 5 के बटे में होगा, ठीक है जो 8 महीना और 7 के बटे में होगा, जो 7 महीना है वो 8 के बटे में होगा, क्योंकि देखिए हमसे क्या पूछा है, आपका क्या पूछा है, पैसा मतलब निवेश, तो हमारा जो यहां से देखेंगे अगर हमारा क्या हो जाएगा, ये निवेश पैसा बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है प्रॉफिट, ठीक है क्या दिया गया है प्रॉफिट, और प्रॉफिट और बटे में क्या हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमारा अनुपात में ये चीजें होती हैं कि आपका जो होता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका जो पैसा होता है, ठीक है अब गुणे में क्या होता है आपका टाइम होता है, तो हमसे पैसा पूछा है तो पैसा बराबर क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट बेटा टाइम हो जाएगा। देखिए इसको अगर कभी भी एलसीएम बेटे में है, अगर कभी भी आपका रेशियो बेटे में है, तो सिंपल सा तरीका आप एलसीएम से गुणा कर दीजिए, एलसीएम का मतलब आपका देखिए जो 14 है 8 है 7 है, इसका एलसीएम लेके आप सब में गुणा करिए। देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैंने एलसीएम निकालना आप लोग बहुत सिंपल तरीका बताया, जो बड़ी संख्या रहती है उसको हम पहाड़ा पढ़ते हैं, और तब तक पढ़ते हैं जब तक हमारी जो अन्य संख्याएं रहती है उनसे कटे ना। देखिए पहाड़ा पढ़ेंगे 14, 14 × 28 क्या 8 से कटेगा नहीं, 14 × 3 = 42 नहीं कटेगा, 7 से 14 × 3 = 42 8, और उसके बाद 14 × 14 = 56 जो हमारा 8 से भी कट जाएगा 7 से कट जाएगा। तो देखिए हम इसको लिखेंगे 5/14 गुणे में 56, क्यों कर रहे हैं क्योंकि एलसीएम से गुणा कर रहे हैं, 7/8 गुणे में 56, ठीक है उसके बाद रेशियो और क्या हो जाएगा 8/7 गुणे में 56। देखिए ध्यान समझिएगा, इसको काटेंगे 14 × 56 उसके बाद 8 × 7 = 56 उसके बाद 7 × 8 = 56 देखिए कितना हो गया आपका ये 5/20 रेशियो कितना हो जाएगा आपका ये 7/49 उसके बाद कितना हो जाएगा 8/28 = 64 ऐसा कौन सा ऑप्शन 20:49:64 कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था बस आप लोग समझना था जो हमारा ये रेशियो है ठीक है जो हमारा लाभ है उसी का जो महीना उससे भाग करेंगे और एलसीएम से गुणा कर देंगे आसानी समझ में आ जाएगा। आप लोग यहाँ ध्यान से समझिएगा बिल्कुल समझ में आएगा जो ये आपका ये दिया गया रेशियो इसी में एलसीएम लेके गुणा करेंगे तो आपका सेकेंडरी में आंसर आ जाएगा।
दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं, क्योंकि जितने भी प्रश्न देते हैं आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्नों को देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों रेगुलर आप लोग मैथ और रीजनिंग के जितने भी रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, आगामी आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेस्ट होगा आपके लिए, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।